हे गाइस, वेज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ कच्चे पपीते से बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट हलवे की रेसिपी, जिसको आप किसी को भी बना के खिलाओगे तो वो बता नहीं पाएगा कि ये कच्चे पपीते से बना हुआ है। तो इसे कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक कच्चा पपीता, इसको मैं पील कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके छिलके को अच्छी तरीके से उतार लिया है। अब हम इसके आगे का और पीछे का भाग कट कर लेंगे। इसे मैं अब चार भागों में कट कर लूँगी ताकि ग्रेट करने में आसानी रहे। अब हम पपीते को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पपीते को ग्रेट कर लिया है, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। उसके बाद हम पपीते को ऐड करके 1 मिनट तक इसको घी में हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने पपीते को 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसको लिड लगा के 5 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गया है, अब हम खोल के चेक कर लेंगे पपीते को। तो पपीते यहाँ पे अच्छे से मैशी हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे शुगर। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून के बराबर शुगर ऐड किया है। शुगर को ऐड करने के बाद ये थोड़े और मैशी हो जाएंगे और अच्छे से पपीते गल के कुक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे शुगर पिघल गई है। तो हम इसको लिड लगा के 2 मिनट अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो गया है और पपाया एकदम अच्छे से भुन गया है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो मिल्क को मैंने पहले ही थोड़ा सा कुक कर लिया है ताकि ये थिक हो जाए। तो इस तरीके से करने से हलवा बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। आप चाहो तो मिल्क ऐड करके भी बना सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट दोनों तरीके से अच्छा ही बनेगा। मिल्क ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक हम इनको और भुनेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इलायची पाउडर और इसमें ऐड कर लेंगे थोड़े ड्राई फ्रूट। आपको यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो या जो आपके पास अवेलेबल हो उसको बारीक कट करके ऐड कर दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा हलवे का। और यहाँ पे मैंने 1 पिंच के बराबर ग्रीन फूड कलर ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हलवे का कलर अच्छा आए इसके लिए मैंने फूड कलर यहाँ पे ऐड किया है। बस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इनको भुनेंगे। तो यहाँ पे हलवा एकदम अच्छे से भुन गया है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लग रहा है ना यम्मी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से अब हम इन्हें गार्निशिंग कर देंगे और बस बन के रेडी है पपीते का हलवा। अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।